आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे और आखिरी दिन का सर्वे आज पूरा हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया, जिसके बाद शिवलिंग वाली जगह को सील करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। वाराणसी की कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार करते हुए सुरक्षा का जिम्मा CRPF को दे दिया है और शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। सील की गई जगह पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। सर्वे के तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर के तालाब से पानी निकालकर उसकी जांच की गई। इस तालाब का इस्तेमाल नमाज से पहले वुजू के लिए किया जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब से पानी निकाले जाने के बाद यहाँ शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ऐसे किसी भी साक्ष्य से इनकार किया है। किसी एप्लीकेशन की कोई प्रतिलिपि मुझको नहीं प्राप्त हुई है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन हमको दी जाएगी, उसकी प्रतिलिपि हमको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसका ऑब्जेक्शन दाखिल किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने ज्ञान वापिस सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा होने के बाद किए जा रहे दावों पर सियासत भी गर्मा गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वहीं VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि वहाँ इतनी बड़ी शिला रातों रात लगा दी गई। वो स्थान जहाँ शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने BJP पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है और कहा कि BJP उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दे जिन पर नजर रखी जा रही है। जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? UP डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्लिम नेताओं को ज्ञानवापी मामले पर बयानबाजी से परहेज करने की नसीहत दी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन पर हो रहे हमलों के लिए पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को रोकना है तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है। इस मीडिया को बंद करना चाहिए, जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। वहीं फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर इशारों में फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। RS पाठक आने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ के सारे लॉयर्स ने उसका विरोध किया और CM साहब ने खुद उस स्टैच्यू की इनॉग्रेशन को कैंसिल कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP ने भी पलटवार किया और कहा कि फिल्म के आने के बाद 32 वर्षों से दबा सच दुनिया के सामने आ गया है, जिससे फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। एक मूवी कश्मीर फाइल्स जो 32 वर्ष के बाद एक सत्य को उजागर करती है, उसी सत्य को जो सत्य 32 वर्षों तक दबाया गया, यही दोहरा चरित्र है इन परिवारवादी पार्टियों का। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर PM मोदी सोमवार सुबह नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। लुम्बिनी में PM मोदी सबसे पहले महामाया देवी मंदिर पहुंचे, जहां नेपाल के PM शेर बहादुर देवबा के साथ पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी मठ में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर नेपाल के लोगों को उन्होंने नेपाली भाषा में ही बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। बुद्ध जयंती को पावन अवसर मा यह सभा मा उपस्थित यहां हरु सबै लाई बुद्ध पूर्णिमा को धेरै शुभकामना। लुम्बिनी में ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए। PM मोदी ने भारत नेपाल रिश्ते को हिमालय की तरह अटूट बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल के बिना तो राम भी अधूरे हैं। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। आज जब भारत में
भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ये पांचवीं नेपाल यात्रा है। नेपाल से लौटने के बाद पीएम मोदी यूपी के कुशीनगर पहुंचे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने कुशीनगर में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा की। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के भी उन्होंने दर्शन किए और बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। कुशीनगर में बुद्ध को नमन करने के बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने योगी कैबिनेट के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिक्रमण के खिलाफ हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए कि दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसाया गया, जिसकी वजह से शहर के 80% हिस्से में अवैध निर्माण है। बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। कोई कागज नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहा तो 63 लाख लोगों के घर तोड़े जाएंगे और ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से कहा है कि वो बिना किसी के डर के बुलडोजर एक्शन का विरोध करें। एमसीडी का कहीं भी अगर बुलडोजर किसी का मकान तोड़ने आएगा तो दिल्ली का हर एक विधायक, उस इलाके का विधायक वहां पहुंचेगा, सारे कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेगा, जनता के साथ पहुंचेगा और इनका मुकाबला करेगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सच का सामना करने की जिसको ताकत नहीं होती है वही झूठ पर झूठ बोलता है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास त्रिकुटा पर्वत पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। यह आग 3 दिन से धधक रही है। इस पर काबू पाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। आग की वजह से जंगल के आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये उनके घरों को अपनी चपेट में ले लेगी। जंगल में बढ़ती हुई आग धीरे धीरे कटरा में हेलीपैड के पास तक पहुंच गई है, लिहाजा एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा रद्द कर दी गई है। पूरे पहाड़ में लगी है, गांव हैं, लोगों के घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल की आए हैं, टीमें आई, 5-6 टीमें आई हैं। श्राइन बोर्ड का कहना है कि जब तक त्रिकुटा पर्वत पर लगी आग पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.